अब बिहार के मुखिया मेंबर समिति नहीं कर सकेंगे भ्रष्टाचार। बिहार के पंचायत मुखिया मेंबर समिति के लिए बहुत बुरी खबर। अब बिना टेंडर के पंचायत में नहीं होगा कोई काम, जिससे मुखिया द्वारा कराई जा रही भ्रष्टाचार पर लगेगी लगाम। अब मुखिया मेंबर और समिति नहीं कर सकेंगे भ्रष्टाचार, क्योंकि पंचायत में बिना टेंडर के नहीं होगा कोई काम। जी हाँ, बिहार में डबल इंजन की सरकार ने पंचायत स्तर पर विकास कार्यों में हो रहे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बड़ा फैसला लिया है। पंचायत की योजनाओं में मिल रही गड़बड़ी की शिकायतों के बाद सरकार ने मुखिया और वार्ड सदस्यों के अधिकारों में कटौती कर दी है, जिससे अब मुखिया मेंबर और समितियों का टेंशन बढ़ गया है। अब बिना टेंडर पंचायतों में किसी भी तरीके का कोई भी काम नहीं किया जाएगा। यह दरअसल बिहार में पंचायत स्तर पर कराए जाने वाले विकास कार्यों को पहले मुखिया और वार्ड सदस्य अपने स्तर से काम कराते थे। विकास कार्यों में अनियमितता और भ्रष्टाचार के आरोप लगातार लग रहे थे। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद आखिरकार नीतीश सरकार ने भ्रष्टाचार में लिप्त मुखिया और वार्ड सदस्य के पर को कतर दिया है और उनके अधिकारों में बड़ी कटौती कर दी है। नीतीश सरकार ने अब पंचायतों में होने वाले किसी भी विकास कार्यों के लिए टेंडर जारी कर दिया है। अब बिना टेंडर की प्रक्रिया किए हुए मुखिया और वार्ड सदस्य कोई भी विकास काम नहीं कर पाएंगे अपने स्तर से। जब सरकार ने मुखिया वार्ड सदस्य के अधिकारों में बड़ी कटौती कर दी है, यह माना जा रहा है। बिहार सरकार ने पंचायत निर्माण कार्य मैनुअल बनाई है। अब मुखिया या वार्ड सदस्य योजना के कार्यान्वयन में मनमानी नहीं कर सकेंगे। इसके साथ ही साथ सरकार ने भवन निर्माण, पंचायती राज, वित्तीय विभाग, स्वास्थ्य विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, वाणिज्य कर विभाग, परिवहन विभाग, कला संस्कृति विभाग एवं युवा विभाग, जल संसाधन विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, कृषि विभाग, खेल विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, भवन निर्माण विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क, अल्पसंख्यक कल्याण और शिक्षा विभाग से जुड़े हुए कुल 27 अहम प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति दी है। आपको बता दूं कि आज जो यह फैसला लिया गया है नीतीश सरकार की तरफ से, इससे मुखिया मेंबर और पंचायत समिति की टेंशन बढ़ने वाली है, क्योंकि अब वे भ्रष्टाचार नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आपको पता होगा कि आए दिन पंचायतों में हो रहे कार्यों में जम करके भ्रष्टाचार होते हैं और इसको टोकने वाला कोई नहीं होता है, रोकने वाला कोई नहीं होता है। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। अब जो भी भ्रष्टाचार करेगा उसको अब सजा मिलेगी, लेकिन अब भ्रष्टाचार तो होगा ही नहीं ज़्यादातर, क्योंकि टेंडर निकाल दिया जाए इसके लिए। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जाने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है कि केडीबी लाइव का ऐप आ चुका है। आप केडीबी लाइव ऐप के माध्यम से पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं। इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए प्ले स्टोर में जाइए, सर्च कीजिए केडीबी लाइव, आ जाएगा। इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए। इस ऐप में बिहार की किसी भी खबर को एक मिनट से भी कम समय में देख सकते हैं। जी हाँ, अगर आप भी बिहार की किसी भी खबर को एक मिनट से भी कम समय में देखना चाहते हैं तो ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐप को इंस्टॉल करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाइए, सर्च कीजिए केडीबी लाइव, आ जाएगा। इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए। आपको बता दूं कि इस ऐप में किशनगंज की भी खबरें देख सकते हैं। जी हाँ, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार की भी खबरें देख सकते हैं वीडियो के द्वारा, और खुद से भी खबरों को पोस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन दिया गया है, ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो पता चल जाएगा। तो ऐप को इंस्टॉल करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।